नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक मनुष्य के काटने का अधिकतम बल क्या हो सकता है? शायद नहीं, तो हम आपको बताते हैं। एक मनुष्य के काटने का अधिकतम बल लगभग 126 पाउंड प्रति वर्ग इंच के आसपास होता है। दोस्तों, इतने बल से आपको काटने पर थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है या आपकी त्वचा पर काटने से घाव हो सकता है, जबकि एक जानवर के काटने के प्रभाव में 20 गुना अधिक शक्ति होती है। तो सोचिए इसका क्या प्रभाव होगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे 10 सबसे शक्तिशाली और असाधारण जानवरों के जबड़ों के बारे में। आखिरकार उनके जबड़ों में कितने गुना अधिक ताकत होती है और वो कितने अधिक बल लगाकर किसी अन्य जीव पर हमला करते हुए काट सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि काटने की क्षमता को मापने के लिए PSI का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब प्रति वर्ग इंच होता है। तो आइए चलते हैं इस लिस्ट पर। नंबर 10 पर है लॉयन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शेर एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहना पसंद करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके पास जंगल के राजा का खिताब है। यही नहीं, पूरे जंगल में कोई इससे खतरनाक जानवर नहीं है, चाहे शाकाहारी जानवर हो या मांसाहारी जानवर। सभी जानवर शेर से डरते हैं और इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन शेर जंगल का राजा हो सकता है, इस सूची का नहीं। दोस्तों, इसकी शारीरिक संरचना की बात की जाए तो शेर की हाइट 10 फीट और वजन 190 किलो तक हो सकता है। एक वयस्क शेर के 30 दांत होते हैं, जिससे शिकार करना आसान हो जाता है। और इसके साथ ही शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन इस लिस्ट में शेर बाकी जानवरों की बाइट फोर्स के मामले में सबसे पीछे है। इसका बाइट फोर्स 650 PSI होता है, जो घातक तो होता है, लेकिन इस लिस्ट में बाकी जानवरों के मुकाबले सबसे कम है, इसलिए यह इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। नंबर 9 पे है टाइगर। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि टाइगर एशिया महाद्वीप में पाया जाता है और भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका रंग पीला और भूरा होता है। शरीर पर काली धारियां और पेट का रंग सफेद होता है। शरीर की धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह होती है। हर टाइगर की धारियां अलग अलग होती है। यह एक स्तनपायी जीव है। इसके नुकीले और मजबूत दांत होते हैं, जो किसी भी शिकार को चीरफाड़ कर सकते हैं। एक वयस्क बाघ की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है। बाघ के पैर के पंजे बहुत खतरनाक होते हैं। इसके नुकीले नाखून शिकार को दबोचने में सहायक होते हैं। एक बड़े टाइगर का वजन 300 से 400 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो वह 1050 PSI होता है, इसलिए यह हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। नंबर 8 पर है स्पॉटेड हायना। लकड़बग्घा एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है जो डॉग के समान दिखाई देता है। हालांकि ये डॉग के परिवार से किसी भी रूप से संबंधित नहीं है। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खा जाते हैं और हड्डी तक नहीं छोड़ते। स्पॉटेड हायना को लाफिंग हायना भी कहा जाता है। ऐसा उसके द्वारा निकाली जाने वाली एक विशिष्ट ध्वनि के कारण होता है, जो मनुष्य की हंसी के समान प्रतीत होती है, पर वास्तव में यह हंसी नहीं होती। दोस्तों, ये अपनी उत्तेजना और निराशा को दूर करने के लिए हंसी की तरह आवाज निकालते हैं। शिकार के दौरान इस आवाज को अक्सर सुना जा सकता है। यह पंजे से कंधे तक 115 सेंटीमीटर लंबे और 75 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। इनका वजन 26 से 41 किलोग्राम तक होता है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। स्पॉटेड हायना के बाइट फोर्स की बात की जाए तो वो 1100 PSI होता है, इसलिए ये इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। नंबर 7 पर है ग्रीजली बियर। ग्रीजली बियर भूरे रंग का भालू होता है। यह उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला एक भालू है। इसे उत्तरी अमेरिका में ग्रीजली भालू कहा जाता है।
यह भालू इतना विशालकाय होता है कि इसका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता है और इसकी हाइट लगभग 7 फीट तक होती है। इनके पंजे बहुत ही शक्तिशाली और नाखून बहुत ही धारदार होते हैं। यह अपने नाखूनों से ही किसी को भी बड़ी आसानी से चीर सकते हैं। यह बहुत ही गुस्सेल किस्म के होते हैं और लगभग यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। ग्रिजली बियर का जबड़ा बेहद ही शक्तिशाली होता है। इसके जबड़ों में 42 दांत होते हैं। इसके कुछ दांत 3 इंच के और काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसके जबड़े की पकड़ 1200 PSI होती है, इसलिए ग्रिजली बियर हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। नंबर 6 पर है गोरिल्ला। गोरिल्ला सबसे प्रसिद्ध और कद्दावर वानर है जो अफ्रीका और उसके आसपास के घने जंगलों में पाया जाता है। गोरिल्ला छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं और खड़े होने पर नर की ऊंचाई लगभग 6 फुट हो जाती है और इसका वजन 250 किलोग्राम तक होता है। गोरिल्ला के मुंह में मनुष्य की तरह 32 दांत होते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला यूं तो शाकाहारी होता है लेकिन इसके काटने की क्षमता काफी कमाल की होती है। अगर ये अपने दांतों से किसी को पकड़ ले तो उसका छूट पाना काफी मुश्किल होगा। इसके काटने की क्षमता शेर, बाघ और भालू से भी अधिक है। इसके काटने की क्षमता की बात की जाए तो वो 1300 PSI तक होती है, इसलिए गोरिल्ला इस लिस्ट में 6 नंबर पर आता है। नंबर 5 पर है हिप्पोपोटामस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिप्पो यानी कि दरियाई घोड़ा एक वजनदार जानवर है। दरियाई घोड़ा अफ्रीका महाद्वीप का मूल प्राणी है। यह नदियों और तालाबों में मिलता है। यह एक शाकाहारी प्राणी है। इसका वजन करीबन 4 टन होता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे वजनदार प्राणी है। पहले नंबर पर तो हाथी ही आता है। दरियाई घोड़े के 4 मजबूत पैर होते हैं। यह 5 फुट ऊंचा और 14 फुट लंबा हो सकता है। यह अपना मुंह 4 फीट खोल सकता है। इसके दांत लगभग 1 फीट के होते हैं। दोस्तों, हिप्पो बेहद खतरनाक और गुस्सेल किस्म का होता है। इसके काटने की क्षमता 1825 PSI होती है, जो किसी का भी कचुम्बर बना सकती है, इसलिए यह हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। नंबर 4 पर है जैगुआर। जैगुआर बिल्ली परिवार का तीसरा सबसे बड़ा सदस्य है। केवल शेर और बाघ इससे बड़े होते हैं, लेकिन इस छोटे पैरों वाले गठीले जानवर में शेर और बाघ से कई गुना अधिक शक्ति होती है। जैगुआर मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। यह पहले पूरे उत्तरी अमेरिका के गर्म इलाकों में भी पाया जाता था, लेकिन अब वह केवल अमेरिका के मेक्सिको के कुछ भाग में ही मिलता है। एक वयस्क जैगुआर 7 फुट लंबा, 2 फुट ऊंचा और लगभग 100 किलो तक हो सकता है। उसकी खाल चमकीली पीली होती है, जिस पर बड़े बड़े गोल निशान होते हैं। जैगुआर का सर और शरीर बड़ा और कसा हुआ होता है। पैर छोटे और मजबूत होते हैं। वह काफी खूंखार जीव है। वह अपने बड़े बड़े दांतों से कठोर हड्डियों को भी काट सकता है। इसके काटने की क्षमता की बात की जाए तो यह 2000 PSI तक होती है, इसलिए जैगुआर इस लिस्ट में 4 नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर है अमेरिकन एलिगेटर। दोस्तों, यह अमेरिका से मगरमच्छों की 4 विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से एक है, जो दक्षिण फ्लोरिडा और मेक्सिको के तटों तक पाया जाता है। यह एक संरक्षित प्रजाति है। पानी में यह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। अमेरिकी मगरमच्छ की लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है और इसका वजन 400 से 500 किलोग्राम तक हो सकता है। यह मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगभग 2125 PSI का फोर्स लगाता है, जिससे उसके शिकार का छूट पाना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए यह इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आता है। नंबर 2 पर है खारे पानी का मगरमच्छ। खारे पानी का मगरमच्छ अन्य दूसरे मगरमच्छों की तुलना में बड़ा होता है। एक वयस्क खारे पानी के मगरमच्छ का भार 600 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं इसकी लंबाई 20 से 25 फीट तक होती है और यह पानी के अंदर 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। इस मगरमच्छ के जबड़ों में 66 दांत होते हैं, जो काफी नुकीले होते हैं, और इसका जबड़ा भी बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, इसके काटने की क्षमता की बात की जाए तो वह काफी ज्यादा है।
ये अपने दांतों और जबड़ों की मदद से 3690 PSI के दबाव से काट सकता है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बाइट फोर्स से काटने वाले जानवर की। यह भी एक मगरमच्छ ही है जो सबसे ज्यादा फोर्स से काटता है। इसका जबड़ा और दांत कमाल का होता है, जो अपनी पकड़ से शिकार के मांस के साथ साथ उसकी हड्डियों का भी चूरा चूरा कर सकता है। इसका नाम है नील क्रोकोडाइल। यह भी हमारी लिस्ट के दूसरे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से मिलता जुलता ही है, क्योंकि यह भी खारे पानी में ही रहता है और इसकी लंबाई भी लगभग 20 से 25 फीट होती है। लेकिन इसके दांत और जबड़े बेहद ही खतरनाक होते हैं। यह अपने दांतों और जबड़ों की मदद से 5000 PSI के फोर्स से काट सकता है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों ये थे 10 सबसे ज्यादा फोर्स से काटने वाले जानवर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इन सभी जानवरों में से सबसे खतरनाक जानवर आपको कौन सा लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।